हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फायर हिम रिटन बाय के एन दारूवाला। सो पोएट कह रहे हैं, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉर फॉरिन सीन। सो पोएट कह रहे हैं कि जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है तो वहाँ ना एक नीले रंग की रोशनी फैल गई है, और ये जो रोशनी आ रही है ना, वो कहाँ से आ रही है, तो वो जो बॉडी जल रही है ना, बर्न हो रही है, तो उनसे ये नीले कलर की रोशनी आ रही है, और साथ ही साथ जितना पूरा घाट है ना, वो उस रोशनी से भर गया है। एंड वैंडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाय, और साथ ही जो लाइट्स हैं, जो उन आग की रोशनी है, तो वो ना एक घोस्ट लाइट है, यानी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है, कि कौन सी डेड बॉडी जल रही है और कहाँ जल रही है, और उनसे ना कैसी रोशनी आ रही है, तो ये लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। और इसके कारण जो भी लोग यहाँ बगल से गुजरते हैं तो वो ना डरते हैं, ये सोचकर कि वहाँ पर ना कोई भूत है। As moonlight curdled among the bones, यानी जो चांद की रोशनी है उन हड्डियों पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, और जब चांद की रोशनी उन हड्डियों पर पड़ रही थी तो वो हड्डियाँ लाइट आउट हो गईं। Once strolling at dawn past river bank and ghat, यानी एक बार फैलते हुए सुबह के समय में एक रिवर के किनारे उस घाट पर सुबह के समय टहलते हुए, we saw embers losing their cruel redness, तो हमने देखा अंगारों को तो क्या करते हुए, तो अपने उस चमकीले लाल रंग को खोते हुए। और वो लाल रंग कैसा था? वो इस तरह से था मानो जैसे वो दुष्ट हो। वो दुष्ट लाल रंग वो धीरे धीरे उन अंगारों से जा रहा था। To the grey ash that swallows all half-cooked limbs, उनकी जगह क्या हो रही थी? तो ग्रे कलर की एक ऐश जमा हो रही थी, और इन ऐश ने उन अंगारों के जो रेड कलर थे तो उसको अपने अंदर ना समेट लिया था। यानी इसका ये मतलब है कि धीरे धीरे जो आग जल रही थी ना, तो वो ना खत्म हो रही थी, वो आग कम हो रही थी, और उसकी जगह राख बनता जा रहा था। लेकिन आग ने ना अपना काम पूरा नहीं किया था, और जो बॉडी पार्ट्स थे वो आधे ही जले, वो पूरी तरह जल नहीं पाए। बोर विटनेस टू द फायर्स डिपोचरी, सो पोएट कह रहे हैं, मैंने देखा आग के उस धोखे को। आग का जो काम था वो ये था कि वो पूरी बॉडी को जला देती और उसे ना ऐश बना देती, लेकिन आग ने अपना काम पूरा नहीं किया। कुछ जो शरीर के हिस्से थे वो अभी भी नहीं जले थे, और ऐसे ही उस घाट पर पड़े हुए थे। My father said, you see those half burnt fingers, यानी मेरे पिता ने कहा कि तुम उन आधे जले हुए उंगलियों को देख रहे हो ना, आग ने उन हाथों को पूरी तरह से नहीं जलाया, उनमें जो उंगलियां हैं ना वो आधी ही जली हुई हैं। एंड बोन स्टब्स, और साथ ही उन हड्डियों के टुकड़े को देख रहे हो, वो टुकड़े भी जो अभी तक जले नहीं हैं, यानी अभी तक अच्छी तरीके से उंगलियां भी नहीं जली हैं और जो हड्डियाँ हैं वो भी नहीं जली हैं। आग ने अच्छी तरीके से काम अभी तक नहीं किया है। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेथ, यानी आग कभी कभी अपने डेथ को, कि मरे हुए लोगों को भूल जाती है। आग भूल जाती है कि क्या उसका काम है, इन मरे हुए लोगों को किस तरह जलाना और उनके शरीर को कैसे नष्ट करना उसका काम है, बट आग ना भूल जाती है। अजोरोस्त्रियन
आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड, यानी मैं एक ज़ोरास्ट्रियन हूँ। फ्रेंड्स, ज़ोरास्ट्रियन एक फारसी लोगों को कहा जाता है। तो पोएट कह रहे हैं कि मैं एक फारसी हूँ, उस समय मैं एक छोटा सा बच्चा था और मेरी उंगलियाँ जो थीं तो वो ना कसी हुई थीं, एकदम टाइट थीं, इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन। और ये ना जो मेरी फिंगर्स थीं जो बहुत ज़्यादा टाइट थीं, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द से भरी हुई थीं। यानी पोएट को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि आग से ये कैसी मिस्टेक हो गई। और ये सब सोचकर पोएट ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। आई स्वर टू सेव फायर, यानी मैंने कसम खाई कि मैं आग को बचाऊंगा। फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, किस से? तो भूल जाने के पाप से। यानी आग भूल गया है कि उसको ना शरीरों को नष्ट करना है, उनको राख बनाना है, और ये उससे एक बहुत बड़ा सा पाप हो गया। मैं एक फारसी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उससे बहुत बड़ा पाप हो गया, क्योंकि फारसी लोगों में क्या होता है कि जो लोग मर जाते हैं तो उन लोगों को जलाया नहीं जाता। तो ये सीन देखकर पोएट बहुत ज़्यादा मूव्ड हो गया और पोएट को लग रहा है कि आग से बहुत बड़ा पाप हो गया है। और पोएट ने अपने आप से एक वादा किया है कि वो आग को इस पाप से बचाएगा। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर्स सिंस, यानी इस बात को कभी भूला नहीं गया, मैंने जो कसम खाई थी आग को उस पाप से बचाने की, उसे ना कभी भूला नहीं गया। और इस बात को ना 20 साल बीत चुके हैं। वो सीन जब मैंने उस घाट पर देखा था, उस बात को 20 साल बीत चुके हैं। As I consigned my first born to the flames, जब मैं अपने पहले बच्चे को क्या करता हूँ, आग के हवाले करता हूँ। यानी जब मेरा पहला बच्चा मर जाता है तो मैं उसको, अपने बच्चे को, उसी तरीके से जला देता हूँ आग में। उस दिन जब मैंने घाट में लोगों को जलते हुए देखा था और मैंने वहाँ पर वादा किया था कि मैं आग के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1,000 miles। सुपोएट कह रहे हैं जो टावर ऑफ साइलेंस था वो यहाँ से कई हजारों मीलों दूर था, और वहाँ पर मैं अपने जो मेरा बेटा था उसकी बॉडी को वहाँ ले जाकर मैं नहीं रख सकता था। तो इसलिए मैंने क्या किया, मेरा जो पहला बच्चा था उसको आग के हवाले कर दिया, उसको जला दिया। द फायर हिम सेट टू मी, यू स्टैंड फॉर गिविन, आग का जो पोयम थी, जो आग का सॉन्ग था, तो उसने ना मुझसे कहा कि तुमको माफ़ किया गया है, तुमने कोई मिस्टेक नहीं किया, तुमने अपने बच्चे को भले ही क्यों ना जलाया हो लेकिन तुमको ना माफ़ किया जाता है। ब्रोकन येट रिबेलियस आई सोर दिस टाइम, यानी मैं टूट गया था, मुझसे मेरा जो प्रॉमिस था ना वो टूट गया था, तो इस बात के लिए मुझे बहुत ज़्यादा शेम फील हो रहा था। लेकिन मेरे मन में ना एक चाहत थी, एक डिज़ायर था कि मैं दोबारा कसम लूँ, और मैंने दोबारा कसम ली। यानी एक टाइम मैंने खुद ही कसम ली थी और मैंने खुद ही उसको तोड़ दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला था और फिर मैंने दोबारा कसम ली। To save it from the sin of forgiving. तो इस बार मैंने क्या कसम ली कि मैं आपको बचाऊंगा एक पाप से, लेकिन वो पाप, यानी इस बार मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, बल्कि उसे मैं माफ़ नहीं करने दूंगा। दोबारा ऐसा कभी कोई मौका नहीं आएगा जहां आपको मुझे माफ़ करना होगा। एक बार मुझसे वो गलती हो गई,
अब ये दोबारा ये गलती रिपीट नहीं होगी और कभी भी मैं अपनी फैमिली मेंबर को आग के हवाले नहीं करूंगा। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये पोयम खत्म होती है। सो ये जो पोयम है ना, वो ना पोएट का जो एक गिल्ट है उसको डिस्क्राइब करती है कि किस तरह उसने वो मिस्टेक कर दी जिसको पोएट सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसी मिस्टेक करेंगे। सो आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।